सुना है कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उन लोगों को सिर्फ हाफ लीटर पानी मिलता था पूरे एक दिन में पीने के लिए, और नहाने के लिए समुद्र का पानी। तो ऐसे बंद कर दिया जाता था और ये इधर बंद होता था और ताला उस तरफ लगाया जाता था, और इधर से कितना भी कोशिश कर ले वो उधर हाथ पहुँचेगा ही नहीं था। अजीब सी फीलिंग हो रही है यहाँ पर सब कुछ देखकर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शानिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं चिड़िया टापू घूमने के लिए। मौसम बड़ा ही सुहाना है और खूबसूरत मौसम में हम लोग निकल पड़े हैं चिड़िया टापू के लिए, और हमने मैप रखा हुआ है, हम लोग मैप देख कर जा रहे हैं। पहली बार मैं जा रही हूँ चिड़िया टापू के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे चिड़िया टापू के व्लॉग नहीं देखा है तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने चिड़िया टापू का ही डाला है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। हम लोग निकले तो थे चिड़िया टापू के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी और काफ़ी दूर हमें जाना था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेलुलर जेल। और इस तरह से हमारा चिड़िया टापू से प्लान चेंज होकर सेलुलर जेल हो गया। अब हम वापस रास्ते से मुड़ते हुए यू टर्न हमने लिया और देखिए अब हम लोग पहुँचने वाले हैं सेलुलर जेल। सेलुलर जेल हमारे घर से काफ़ी करीब है और अब हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है वो जेल, काला पानी भी जिसे कहते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को काला पानी की कुछ इतिहास की बातें बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए और मैं एक एक चीज़ यहाँ के बारे में आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। सबसे पहले ये है आपका यहाँ पर टिकट काउंटर, जहाँ पे आप जाकर टिकट कटा सकते हैं। जो एंट्री फ़ी है वो पर पर्सन 30 रुपीज़ की है, और यहाँ ऑनलाइन टिकट नहीं ली जाती है। ऑनलाइन टिकट होती है जो यहाँ पर लेज़र शो दिखाया जाता है, उसके लिए ऑनलाइन टिकट किया जाता है, मैं आगे बताऊँगी उसके बारे में भी। और अभी हमने टिकट ले लिया है सेलुलर जेल की एंट्री के लिए, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है। यहाँ इस जेल के बारे में लिखा गया है, सेलुलर जेल का दूसरा नाम काला पानी है। यह जेल 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, उसके बाद इसे बनाने की योजना बनाई गई और 1906 में ये जेल पूरा हुआ। करीबन 10 साल लगे इसे बनने में। आज अंडमान खूबसूरत महाद्वीपों में से एक माना जाता है, लेकिन उस समय यह एक काला पानी के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ पर ज़िंदगी मौत से भी बदतर हुआ करती थी। यहाँ पर उस जेल की कुछ यादें हैं, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो यहाँ पर रखी गई है उनके मेमोरी के तौर पर। यहाँ कई सारी आप तस्वीरें देखेंगे उस समय की, उस समय के जेल की। ये तस्वीरें गवाह है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो हैवानियत, अमानवीय यातनाएं उन्हें जो सहना पड़ा था, उन सब की ये दशा बताती है। कई तकलीफ़ों के साथ उन्होंने अपना जीवन नर्क से भी बदतर बिताया यहाँ पर, ये हम कह सकते हैं, जो कि मौत से भी बदतर और नर्क से भी बदतर है। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि जो दूसरे अधिकतर समुद्रों के पानी होते हैं वो नीले रंग का होता है, पर अंडमान द्वीप के आसपास के समुद्र के पानी का रंग गहरा काला है, जो कि एक विशिष्ट बात है, और इस द्वीप को काले पानी का द्वीप या काला पानी कहते हैं। और यहाँ आप एक मॉडल देख सकते हैं जो कि 7 पिलर या कहें कि 7 ऑक्टोपस के जैसे इनके जो शाखाएँ बनी हुई है, और हर शाखाओं में छोटे छोटे कमरे हैं जेल के। इस जेल के अंदर करीबन 694 कोठरियाँ हैं, और ये कोठरियाँ बनाने का यही मकसद था कि जो कैदी थे वो आपस में मेल जोल ना बढ़ा सके। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं, जो आगे इस वीडियो में आप देख पाएंगे। सेलुलर जेल की जो 7 शाखाएं थी, अब वो बस 3 ही बची है, और हमें 3 ही विज़िट कराया जाता है, जो विज़िटर्स होते हैं उनको बस 3 ही जगहों पर जाने की अनुमति है, और इसे काफ़ी जगह रेनोवेट भी किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात है, यह जो पेड़ आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये उस समय से है जिस समय यह जेल बना था,
और हम एक तरह से कह सकते हैं कि इस बरगद के पेड़ ने वो सारी यातनाएं, वो सारे दुख और कष्टों को देखा। कैदियों के साथ जो बर्ताव किया जाता था वो सब इस पेड़ ने देखा। यहाँ जब आप शो देखोगे तो उसमें ये चीज़ें भी बताई गई है इस बरगद के पेड़ के बारे में ही। और इस बरगद के पेड़ के पास ही एक ज्योति जलती है, वह ज्योति प्रतीक है यहाँ के अमर वीर शहीदों के नाम की, और वो हमेशा जलती ही रहती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर इस जेल का सबसे क्रूर जो सज़ा है वो दिया जाता था। इस जगह पर जो आप लोहे की बनी देख रहे हैं, आप पुतला एक देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी कैदी हुआ करते थे उनको प्रताड़ना दी जाती थी। और अब हम लोग जा रहे हैं इस उस एरिया में जहाँ पर कैदियों से काम करवाया जाता था और उन्हें जानवरों से भी बदतर तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता था, और तेल निकालने का काम यहाँ पर किया जाता था। जो कोल्हू का बैल, हमने अक्सर सुना है कि कोल्हू का बैल जैसा काम करवाया, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, वो बैल के जगह इंसानों का इस्तेमाल करते थे, और नारियल के रेशों से तेल निकालने का काम किया जाता था। बैल भी होते थे, वो भी कितना भी कर ले वो कुछ ज़्यादा तेल नहीं निकाल पाते थे, लेकिन इनसे को एक टारगेट दिया जाता था, शायद 25 मन इन्हें तेल निकालना होता था, और जो बैल होते हैं वो 11 भी मुश्किल से निकाल पाते हैं एक दिन में, और इंसानों से ये निकलवाया जाता था 25 मन। लेकिन और अगर कोई नहीं निकाल पाया कैदी, इतना करना सच में पॉसिबल नहीं था, और अगर काम में धीरे भी होता तो ये आप देख सकते हैं पुतला में, इस तरीके से उन्हें मारा जाता था। जो मारने वाला होता था वो भी भारतीय ही होता था। पैरों को बांध दिया जाता था, उनके कपड़े उतार दिए जाते थे, उनके हाथों को बांध दिया जाता था, और पीठ में तब तक मारा जाता था जब तक कि खून ना निकल जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कैदियों को किस तरह से रखा जाता था, तीन तरह से बांध कर उन्हें रखा जाता था, उनके हाथ पैर इस तरह से बांधे जाते थे, और सबसे मुश्किल ये आखिरी वाला है जिसमें हाथ और पैर एक ही जैसा रहता था कई टाइम के लिए, और ये जूट का कपड़ा उन्हें पहनाया जाता था। अब हम आ रहे हैं फांसी घर। यहाँ जाने से पहले मेरी धड़कनें सच में तेज़ हो गई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार फांसी घर देखा। यहाँ आप जो देख रहे हैं, एक बार में 3 लोगों को फांसी दी जाती थी, और यहीं पर एक घंटा घर जैसा है जहाँ पर जब भी फांसी दिया जाता था तो वहाँ लाल बत्तियाँ जलने लगती और ज़ोर ज़ोर से घंटियों की आवाज़ होने लगती, जिससे दूर दूर लोगों को पता चल जाता कि आज फांसी पे कोई चढ़ा है। और जो लाश होती थी, जो सेनानियों की, वीर शहीदों की जो लाशें होती थी, वो इससे यहाँ पर नीचे आती थी इस जगह पर। चलो ऊपर जाएगी। पहले होता था, अब नहीं होता बेटा। क्या वो डर लग रहा है? नहीं, ये देखिए, इसको पता है यहाँ से लॉक कर दिया जाता था और यहाँ पर ताला बंद किया जाता था इस जगह पर, ताकि फ्रीडम फाइटर्स अगर कोशिश भी करे तो नहीं खोल पाएंगे। आप इसको पकड़िए, हम बताते हैं अंदर जाकर, ऐसे करके अंदर इसको ऐसे बंद कर दिया जाता था, और ये इधर बंद होता था और ताला उस तरफ लगाया जाता था, और इधर से कितना भी कोशिश कर ले वो उधर हाथ पहुँचेगा ही नहीं खोल। ये इतना भारी सा इन लोगों को बेड दिया जाता था ताकि ये लोग बेड से कुछ तोड़ वोड़ भी ना पाए। और यहाँ से इन लोगों को खाना दिया जाता था इस जगह से, बिल्कुल छोटा सा गेट है, यहाँ से खाना दिया जाता था और इधर बंद ताला बंद किया जाता था, सारा इसी टाइप का है छोटा सा। अंधेरा में यहाँ पे क्या दिक्कत के रखता था प्राइम बेटा पहले? हाँ चल, कितना डेंजरस है ये, इन्हें बहुत ही ज्यादा खराब खटिया खाना दिया जाता था।
छोटा छोटा बॉक्स की जैसा है और पूरा अंधेरा। और सुना है कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उन लोगों को सिर्फ 1/2 लीटर पानी मिलता था पूरे एक दिन में पीने के लिए, और नहाने के लिए समुद्र का पानी। और उन लोगों पर जो कोड़े बरसाए जाते थे उस पर उन लोगों को नमक पानी से नहाना होता था, जिस वजह से कई महीनों तक उन्हें नहीं नहा पाते। वैसा ही है। ये पंजाब से थे इतने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंगाल से बहुत सारे थे। यहाँ पर कोड़ा बरसाया जाता था, ये वही वाला है स्टैंड, यहाँ पर ऐसे करके खड़े होकर दिया जाता। नहीं ऐसे नहीं, उल्टा, हाँ ऐसे करके पैर को लॉक कर दिया जाता था और ऐसे करके हाथ को, ये हाथ पूरा ऐसे, और फिर मारा जाता था। ये समझेगी अभी। ये तो भूल भुलैया, ये टूट गया है काफी। इस जेल से कभी कोई भाग नहीं पाया, डर लग रहा। पता है कहते कि जो पहरेदार होता था ना, यहाँ बहुत कम पहरेदार रहता था और वो यहाँ गेट पे रहा करता था, इस जगह पे वो रहता था और यहीं से वो पूरा वहाँ तक देख पाता था, क्योंकि स्ट्रेट है तो ज्यादा पहरेदार यहाँ रहता नहीं था। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को वो अंग्रेज चाबी दे दिया करते और कहते थे इधर से अपना हाथ डालकर इधर खोलो, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई इधर से हाथ निकाल कर इधर तक उनका हाथ पहुँच पाए। तो ये जो अंग्रेज थे उनका मजाक बनाते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों के बीच देख सकते हैं आप डिस्टेंस कितना है और ये बहुत ही मोटा है, इसे तोड़ पाना या कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं वीर सावरकर जी का सेल जहाँ वो रहे थे, उनका सेल सबसे लास्ट में है, सेकंड फ्लोर में सबसे लास्ट ये है वीर सावरकर जी का सेल। विनायक दामोदर सावरकर, ये उनका ओरिजिनल बेड नहीं है बट ऐसा वहां नहीं बैठते बेटा बनाया गया है, ये उनके खाने के लिए और ये पानी पीने के लिए, और ये जो कंबल है ये इनको दिया गया था और इस तरह से उन्हें बांध कर रखा जाता था।
अब मैं जा रही हूँ गैलरी में, जहाँ पर अंडमान इन ओल्ड डेज, पुराने टाइम पे अंडमान कैसा दिखता था उसकी कुछ तस्वीरें हैं, और यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स को भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हुकूमत करते थे। छोटे छोटे नाव आप देख सकते हैं, यहाँ वो ऑफिसर्स हैं। अब विसल बजना स्टार्ट हो चुका है, अब हमें लौटना होगा। शो के लिए हमें बाद में एंट्री मिलेगी फिर से। अब टाइम हो गया है, अब जाना होगा। हमारा शो टाइम है 6 बजे और अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजे ये बंद हो जाता है पूरा। अजीब सी फीलिंग हो रही है यहाँ पर सब कुछ देखकर। यकीन कर पाना मुश्किल है पर ये सच है, ऐसा हुआ था यहाँ पर। शाम को हम लोग यहाँ आए शो के लिए। शो के लिए जब आप आए तो टिकट आपको दिखाना होता है, साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड भी कैरी करना होता है। शो को वीडियो करना यहाँ पर मना है, इस वजह से मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन आप जब भी आए तो शो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में पता चल पाएगा, और काफ़ी खूबसूरत शो था। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। बाय।